ZFM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हम कदम, मुझे कहते हैं नासिर महमूद खान और हम खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तजिया कार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, आप खैरियत से डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आज का जो हमारा मौजू है, इसी खित्ते का एक मुल्क है जनूब मशरकी एशिया का, बर्मा भी जिसे कहते हैं और नया नाम उसका म्यांमार है। वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ की फौजी क़यादत जो है उसने जमहूरी हुकूमत को घर भेज दिया और एक साल के लिए इमरजेंसी नाफिस कर दिए वहाँ पे, और कहा यही गया कि अब इलेक्शन भी होंगे लेकिन इंतकाल इक्तदार का मरहला जो है वो एक साल के बाद होगा। इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स एक तारीख रही है इस पूरे इस मुल्क की 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद से, खासा वक्त जो है वो वहाँ पे फौजी ही इकतदार में रहे, फौजी इकतदार में रही है। थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये सूरत हाल है क्या और ये अचानक से, हालांकि अब कानून साजी में भी एक अच्छा खासा पोर्शन जो था वो सिटिंग जो सर्विंग फौजी थे उनके पास था, क्या मामला बना, ये सूरत हाल किस तरह से यहाँ तक पहुँची है? शुक्रिया नासिर साहब, थोड़ा सा हमें ये जो नई सिचुएशन बनी है इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। 1962 में जब उस वक्त हुकूमत का तख्ता उलट के फौज इक्तदार में आई वहाँ, उससे लेकर 2011 तक ये पूरा मुसलसल कंप्लीट फौजी हुकूमत और इक्तदार में फौज रही है वहाँ पे, और उसके बाद भी 2011 के बाद जब एक माहदे के तहत तवील जदोजहद के बाद और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद जब एक मामला थोड़ा सा जमहूरी ट्रांजिशन की तरफ चले, तो उसने भी 3-4 साल लिए, एक यानी इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में बना, उसमें ये तय हुआ कि पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में कम से कम 25% नशिस्तें जो हैं जो शायद अब एक तिहाई तक भी मौजूद रही हैं इस दौर में, वो फौजी नुमाइंदगान के पास होंगी, और 3 बड़ी वजारतें दाखिला, खारजा और दिफा, वो भी उनके कंट्रोल में होगी, और मजबूती तौर पे बाकी हुकूमत के जो बाकी होते हैं बाकी जगह भी वो इक्तदार में रहेंगे। अब ये जो तजर्बा होता है इसके नतीजे में 2015 में पहले मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं, 2015 में जो वहाँ की जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आउन सान सू ची की जो जमात है जो अमन के हवाले से नोबेल लॉरेट रही हैं और हैं, और जाहिर है कि उन्होंने एक तवील जद्दोजहद, बुरा अरसा वो जेल में रही हैं, आपको 27 साल के पता नहीं कितना तो वो रही हैं नजर में। मैंने बर्मा में दोनों अद्वार में मतलब मेरी पोस्टिंग रही है, एक जब मुकम्मल फौजी इक्तदार था और एक जब ये इनकी हुकूमत थी उस जमाने में भी, तो दोनों अगर अद्वार में देखा जाए तो मजमूई तौर पे शायद पहला जो दौर था वो तो जाहिर है कम्प्लीट एक फौजी हुकूमत का जो एक दौर होता है वो रही, उसके बाद दूसरे दौर में मैंने देखा कि थोड़ा सा एक सिविल एक लिबर्टीज की बात हुई, अखबार में कुछ थोड़ी सी आज़ादियाँ आई, यानी अखबार जो म्यांमार टाइम्स है और उसमें कुछ फॉरनर्स भी काम करने लगे, और इस तरह की एक सिचुएशन सामने आई कि मीडिया में भी कुछ थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना शुरू हुआ। लेकिन 2015 के बाद से अगर थोड़ा सा हम तजिया करें, मामला जो है वो बड़ी कशीदगी की तरफ बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता। पहले ख्याल ये था कि डेमोक्रेसी के नतीजे में फौजी जो क्यादत थी उस वक्त उनका ख्याल था कि शायद इससे जो इक्तदार का जो तवाजन है वो बरकरार रख पाएंगे, कि जैसे कि ये तय हुआ कि 25% सीटें उनकी होंगी, मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो वजारतें हैं वो उनके पास होंगी, तो वो इस तरह शायद इसको बरकरार रख पाएंगे। लेकिन एक ही इंतखाबात हुए थे कि अब उसके दूसरे इंतखाबात 2020 में 5 साल के बाद जो हुए उसमें नवंबर यानी 8 नवंबर गुज़श्ता साल जो हुए 2020 में, वहां तक के तजर्बात की रोशनी में उन्हें ये लगा कि नहीं इससे तो इक्तदार का इम्बैलेंस हो रहा है, यानी ताकत का तवाजन बड़ी तेजी से पार्लियामेंट और वहां इलेक्टेड हुकूमत की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद ये कशीदगी का अमल जो है ना शुरू हुआ, और बाकायदा तौर पर 2015 के बाद एक सिलसिला चला, फिर 2017 में रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जब इकदाम हुए, यानी एक हद तक जब ये शेरिंग इकतदार में शराकत की बात हुई, और जब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 2015 के इंतखाबात जीतने के बाद फौज के साथ मिलकर नए आइन के मुताबिक काम करने का फैसला किया, तो उस वक्त आउन सान सू ची ने भी ये तय किया कि अब जाहिर है कि ये चूंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार है आर्मी का, तो लिहाजा हम उनसे अलग रह के बात
नहीं चला सकते, हुकूमत नहीं चला सकते। यही वजह है कि 2017 में जब राखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इकदाम हुए तो आन सान सू ची ने भी उन इकदाम का दिफा किया बाकायदा तौर पर, जिसकी वजह से आलमी सतह पर उन पर बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन अंदरूनी तौर पर वॉर पॉपुलर हो गई, क्योंकि जाहिर है वो बुद्धिस्ट चूंकि ज्यादा पॉपुलेशन है, रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है, तो लिहाजा जो मेजॉरिटी के लोग थे उन्होंने इस पे देखा कि आन सान सू ची ने, जो कि पहले डेमोक्रेसी और राइट्स की सिंबल समझी जाती थी, फिर उन्होंने इस हवाले से रोहिंग्या के मसले पे आके उन्होंने जो रोल अदा किया उस पे अंदरूनी तौर पे तो लोग उनसे खुश हुए, लेकिन बैरूनी दुनिया में उन पर तनकीद हुई और यहाँ भी ये मुतालबात भी किए गए कि उनसे वो नोबल इनाम जो उन्हें दिया गया था वो वापस लिया जाए। तो ये इस तरह थोड़ा सा ये सिलसिला चलता रहा आगे। उसके बाद ये कि मुसलसल अगर आप ये देखें 2020 में जबकि नए इंतखाबात होने थे, इसके आगाज से ही बहुत सारी कशीदा सूरत हाल चलती गई और गुज़श्ता 49 सालों में जो पहली एक गैर फौजी जमात ने इकतदार संभाला था, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और पहली सिविलियन हुकूमत कायम की थी और वो भी जाहिर है कि तवील जद्दोजहद उसके बाद थी, शराकत इकतदार भी कबूल किया, लेकिन मामला जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होते गए क्योंकि पावर का तनाव, अल्टीमेटली जब पार्लियामेंट में बिल पेश होते थे तो 25% काफी नहीं थे अपने बिल की हमायत में, और 3 वजारतें शायद उन्हें लगा कि काफी नहीं है इकतदार में अपना बैलेंस रखने के लिए, तो फौजी क्यादत ने इस पर फिर थोड़ा सा ये वार्निंग का सिलसिला शुरू किया और 2020 के आगाज में ही बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ ने वहां के ये कहा कि सिविल हुकूमत जो है नाकाबले कबूल गलतियां कर रही है, और 8 नवंबर के इंतखाबात जब हुए इसके बाद तो और ज्यादा तनकीद शुरू हो गई कि जनाब इसमें इंतखाबात में धांधली की गई। अब इन यानी 2015 के इंतखाबात में भी इनके मद्दे मुकाबल जो सबसे बड़ी जमात थी यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसको कि वहां की फौज की हिमायत हासिल है, और इस दफा भी, पिछली दफा तो उन्होंने फिर भी कोई कंफर्टेबल सीटें ले ली थी, लेकिन उनकी मजमूई तादाद मिला के यानी जो फौज की 25% फिक्स सीटें और यूएसडीपी जो फौज की हिमायत याफ्ता पार्टी उनको मिला के वो 1/3 तक ले जा सके अपनी अक्सरियत को, 2/3 फिर भी वो एनएलडी के पास थी, और फिर पाबंदी लगाई गई कि आन सान सू ची कोई हुकूमती ओहदा नहीं रखेंगी, लिहाजा उनकी पार्टी के एक और रहनुमा जो थे उनको सदर बनाया गया, जिन्हें अब इनके साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया एमरजेंसी नाफिज करने के बाद। अब 2 नवंबर 2008 के जब इंतखाबात होते हैं उसमें जो यूएसडीपी है जो पार्टी है वहां की यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी जो कहा जाता है कि फौज की हिमायत याफ्ता जमात है, उसने कहा जी कि इंतखाबात में धांधली हुई है। अब इलेक्शन के अगर नतीजे देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो टोटल वोट डाले गए इंतखाबात में 8 नवंबर 2020 के, उसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो आन सान सू ची की जमात है दूसरी मरतबा भारी अक्सरियती वोट उनको हासिल हुआ, यानी कुल डाले गए जो वोट हैं उनका 83% एनएलडी को मिला, जबकि फौज की हिमायत याफ्ता जमात यूएसडीपी जो थी उनको पार्लियामेंट की 476 में से सिर्फ 33 नशिस्तें मिली, और 25% आप समझ लें वो ऑलरेडी मतलब मुसल्ला फौज की जो फिक्स सीटें वो तो होगी। अब ये मिला के भी वो कंफर्टेबल उस सिचुएशन में नहीं आ सकते, तो उन्होंने कहा जी कि ये बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इंतखाबात की जो साख है वो दुरुस्त नहीं है। इस बुनियाद पे उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया और फिर फौज की तरफ से भी ये कहा गया कि जी फौजी तर्जमान की तरफ से कहा गया कि आप जो है ना इसको ये जो बातचीत हो रही है ये जो मामला चल रहे हैं उसको आप गौर करें, और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जी वो इन इल्जाम की तहकीकत करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी को वाजे तौर पर ऐलान कर दिया कि नहीं किसी किस्म का कोई सबूत हमारे पास नहीं आया, जो इल्जाम लगे हैं वो उन्होंने मुस्तरद किए। इसके बाद जो है आर्मी चीफ ने 30 जनवरी को कैटेगोरिकली कहा कि अब वो आइन के मुताबिक जो है ना अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे। उनके इस बयान के बाद बाकायदा तौर पर वहां जमहूरियत की हमायत में मुजाहरे शुरू हुए। फिर यह कि यंगून जो वहां का एक कमर्शियल कैपिटल है जो सबका दारुल खिलाफा था लेकिन अब नेपिटा एक जगह है वो बिल्कुल जो म्यांमार के सेंटर में है, यानी उसको वो बहुत दूर जाके अलग से कैपिटल बसाया गया, वहां पे पूरी मिनिस्ट्रीज और तमाम लोगों को वहां शिफ्ट किया गया। हमारे भी यानी जो हमारा इदारा काम कर रहा था
उन्हें भी कहा गया कि यंगून से आप अपने दफातर उधर रखें। तो जाहिर है क्योंकि कैपिटल जहां होगा वहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस की बात की गई। अब यहां दोनों बाकायदा तौर पे टैंक्स और बाकायदा एक जो ट्रुप्स की मूवमेंट होती है वो 26 जनवरी को शुरू हो चुकी थी, ताकि ये प्रेशर जो है इसी तरह चलता रहे। 28 जनवरी को फिर ये इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद 30 जनवरी को सिचुएशन बिल्कुल वाजे हो गई थी, जब वहां के आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली ऐलान किया कि अब वो लॉ और आईन के मुताबिक अपने जो है वो अपना रोल अदा करेंगे। और उन्होंने ये क्योंकि बहुत सारी उस वक्त ये बातें चल रही थी कि शायद तख्ता उलटने के बाद जो है ना बाकायदा तौर पे फौज इक्तदार में आ जाएगी, लेकिन उन्होंने उस रास्ते की बजाय ये कहा कि नहीं, हम आईन को उसी तरह रखेंगे। और उसका रास्ता उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी एक साल के लिए इमरजेंसी होगी, इक्तदार कमांडर इन चीफ के पास होगा, और एक साल के बाद वो एक तो इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करेंगे, दूसरे जो इंतखाबी नतायज हैं उनको रिव्यू करेंगे, और फिर उसके रोशनी में नए इंतखाबात होंगे और फिर नई हुकूमत जो आएगी उसको इक्तदार सौंपेंगे। और इस सारे प्रोसेस के बाद 1 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर, यानी गुज़श्ता रोज मंडे को, वहाँ के साथ सियासी रहनुमा जो सदर थे, हुकूमत के सरबराह थे, उन्हें भी और बाकी जो NLD के रहनुमा उन सबको गिरफ्तार किया गया। इस पे जाहिर है कि बड़ी एक ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता दिया ताकि ये सूरत हाल हमारे सुनने वालों के सामने आ जाए कि ये मसला है क्या। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मुख्तसरन मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पे खासा रिएक्शन, क्योंकि हम इसके बाद फिर चीन के रिएक्शन की तरफ भी चलेंगे, इस पे रिएक्शन आ रहा है, UN ने भी रिएक्शन दिया, बरतानिया की तरफ से, आलमी बिरादरी की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, कैसे देखते हैं उस रिएक्शन को आप? बुनियादी तौर पे आप ये देखें ना, जितना इंटरनेशनल क्राउड है, ये जो इंटरनेशनल तौर पे ऐसे मामलात को देखा जाता है, उसमें UN ने वाजे तौर पे, UN के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने वहाँ की सूरत हाल पे तशवीश का इजहार किया और कहा कि नवंबर के इंतखाबात के जो नतायज हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनका एहतराम किया जाए और जमहूरी रवायात को फरोग दिया जाए। इसी तरह अमरीका, बरतानिया और दीगर 16-17 जो की ममालिक हैं जिनको जो डेमोक्रेसी के हवाले से हमेशा बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये इस इकदाम का मतलब ये नहीं, पहले तो वो ये कहते हैं कि जो एक्शन लिया गया है हम इसको ही कू समझते हैं कि फौज ने तख्ता उलट के इक्तदार में आ गई है और अब वो शायद इंतखाबी नतीजे को चेंज करना चाहेंगे या कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट करेंगे जिससे कि वहां पे जो डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस था वो डीरेल हो जाए। तो उस पर उन्होंने बड़ा यानी सख्त रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि अगर फौजी जो जनता है उस पर इस तरह की सूरत हाल उन्होंने बरकरार रखी तो अमेरिका ने तो वाजे तौर पे कहा कि वो उसके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन भी ले सकते हैं, यानी जो ऐसी सूरत में हमेशा अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगती हैं या और मामलात देखे जाते हैं, जैसे कि सदर ओबामा के जमाने में भी म्यांमार को खास तौर पे फोकस किया गया था, उस वक्त शायद ये सूरत हाल नहीं थी ना, इसलिए चूंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो एक प्रोसेस अभी शुरू हुआ था उसको एस्टेब्लिश करने के हवाले से उन्होंने एक US एशिया पैसिफिक रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी जो थी, यानी वहां पे चाइना का जाहिर है कि एशिया में एक असर व नफूज है और म्यांमार जो है इसके साथ चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बॉर्डर मिलते हैं और फिर वहां पे भी CPEC की तर्ज पे एक बाकायदा तौर पे एक बेल्ट का एक हिस्सा वहां बनना है जो म्यांमार से बांग्लादेश और आगे थाईलैंड और फिर आगे साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना है। तो वहां पे ओबामा की ये जो स्ट्रेटेजी थी उसके मुताबिक बाकायदा तौर पे इन्वेस्टमेंट हुई। मुझे याद है कि एक जब बर्मा में ये जो मामलात हुए थे साइक्लोन नरगिस के बाद, वहां पे जो बहुत बड़ा समुद्री तूफान है, तो उसकी बहुत बड़ी एक एड एक स्टेज पे आके यूरोपियन यूनियन ने भी उसको डाइवर्ट कर दिया था टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ म्यांमार, कि वहां पे ना इस पैसे से नई तरक्याती चीजें शुरू करेंगे। मकसद यही था कि वहां पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस चला था वो आगे बढ़े और म्यांमार को एक ऐसे मुल्क के तौर पे वो सामने लाएं जो शायद एक उस खत्ते में एक डेमोक्रेसी का एक मॉडल बनाए। और उसमें फिर ये कि वो चीन के साथ चूंकि बहुत करीबी ताल्लुकात थे, वहां पे असर व नफूज को किसी हद तक बैलेंस और न्यूट्रलाइज किया जाए, वही जो रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी जिसका मैंने जिक्र किया ओबामा की, तो इसके तहत भी उन्होंने एकदम किया। और अब फिर बाइडन की जो हुकूमत आई है उसमें भी आप देखें कि बहुत सारे साबिक सदर ओबामा की टीम के लोग हैं और वो जाहिर है कि इस स्ट्रेटेजी को, इस रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी को यकीनन भूले नहीं होंगे
जी हाँ बिल्कुल। और ये अभी के जो वजीर खारजा हैं जो बने हैं, ये खासा इनका अमल दखल था उस वक्त इस सारी रिफॉर्म्स में, बिल्कुल उसमें मौजूद रहा उनका अमल। तो ये जो रद्द अमल है, मैं समझता हूँ कि ये रद्द अमल बड़ी हद तक वहाँ पे मजीद इसमें तेजी आएगी, और अगर ये आलमी दबाव बढ़ेगा तो उसके साथ साथ फिर अंदरूने मुल्क भी, आप ये देखें ना, वहाँ पे तनाव की कैफियत बढ़ेगी, क्योंकि NLD की जो लीडरशिप है उन्होंने ऑन सॉन सूची की जानिब से जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा जी कि ये एक बिल्कुल हुकूमत का तख्ता उलटने के मुतरादिफ है, आप इसको फौजी इकतदार को जो है ना कबूल ना करें और अपना सख्त रद्द अमल जाहिर करें ताकि जो अवामी वोट है वो उसको पजीराई मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैरूनी दबाव भी बढ़ेगा और अंदरूनी दबाव भी बढ़ेगा। इससे जाहिर है कि जो म्यांमार में इस वक्त सूरत हाल है, एक तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, रोहिंगा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट, दूसरे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो जाहिर रुकेगा, क्योंकि जितने मैंने ये जिक्र किया, चाहे यूरोपियन यूनियन की यानी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है या जो अमेरिकन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी या रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी होगी जिसके जरिए वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे और आगे काम होगा, उसको भी इम्पैक्ट होगा अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, पीस नहीं होता। तो ये सिचुएशन मैं समझता हूँ कि म्यांमार के लिए अगर ये दबाव के अंदरूनी और बैरूनी दबाव रहा तो यकीनन वहाँ की दोनों, चाहे वो फौजी क्यादत हो या चाहे वो वहाँ की सिविलियन क्यादत हो, दोनों को जाहिर है कि इसका मजमूई तौर पर इम्पैक्ट आवाम पे पड़ने वाले इम्पैक्ट की सूरत में सामने नजर आएगा। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, म्यांमार की सूरत हाल पे आपसे गुफ्तगू हो रही है, आपने सारी सूरत हाल वाजे भी की, तारीखी तौर पे भी किस तरह ये हमारे सामने अभी ये जो इस हफ्ते का इकदाम आया है उसके पीछे क्या कहानी असल में चलती आ रही थी, और जो बैन अल-अक़वामी रद्द अमल है उसका भी आपने जिक्र किया। चीन चूँकि म्यांमार का भी हमसाया मुल्क है और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात इसके रहे हैं इस मुल्क के साथ, चीन ने भी इस पे अपना एक बैलेंस्ड रिएक्शन जो है वो दिया है, उसे कैसे आप देखते हैं? बुनियादी तौर पर देखिए, चीन और म्यांमार के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही गहरे हैं, तजारती लिहाज से देखें या वैसे अगर देखें बॉर्डर कंट्रीज के हवाले से, यानी वहाँ पे चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, चाहे वो मिलिट्री हुकूमत हो या 1962 से पहले की दूसरी सिविल हुकूमत हो या उसके बाद आने वाली ये जो पहली सिविल हुकूमत हो, इसके साथ चीन के ताल्लुकात बड़े गहरे रहे हैं। और अभी भी अभी जो चीन का रद्द अमल सामने आया, उन्होंने यही वजारत खारजा की तरफ से चीन के वांग वेनबिन ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि चीन म्यांमार की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए है और वो मजीद मालूमात हासिल करें कि असल में इमरजेंसी जो है वो वाकई कोई कू है या कोई इसमें भी और कोई ऐसे एलिमेंट मौजूद है जो शायद कू से पहले की रिफॉर्म्स की बात की होगी। और दूसरे जो बयान में वाजह किया गया है उसमें ये कहा कि चीन के दोनों तरफ की लीडरशिप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या फिर जो है NLD की लीडरशिप हो जो इक्तदार में थी। तो इस बुनियाद पर चीन ने दोनों फरीक हैं इस मामले के, यानी जो NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जिनकी हुकूमत को अभी इक्तदार देना था या पार्लियामेंट का इफ्तिताही इजलास होना था उससे पहले इमरजेंसी नाफज करके उनको फारिग करके इक्तदार यानी आर्मी के जो सरबराह हैं उनको हैंड ओवर कर दिया गया, उन दोनों से उन्होंने कहा कि हमारे आपसे हमसाईगी के ताल्लुकात हैं, आप कोशिश करें कि अपने मामलात को बैठ के आईनी कानूनी दायरे में रहते हुए इख्तलाफात को दूर करें और मुल्क में सियासी और समाजी अदम इस्तेकाम से बचें, क्योंकि जाहिर है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम अगर होगा, अमन नहीं होगा और समाजी तौर पे जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर प्रेशर होंगे और मुल्क में हंगामे होंगे तो यकीनन जो डेवलपमेंट जो जारी है वो बड़ा नुकसान में जाएगी। आप ये देखें कि चीन और म्यांमार के दरमियान जो ऑयल और गैस की पाइपलाइन है वो एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो 2017 में बाकायदा तौर पे उस पर अमल दरामद शुरू हुआ, और ये रखाइन स्टेट से गुजरता हुआ मेंडले रीजन और जो शान स्टेट है, मैंने शान में और इधर जो रखाइन है इन यहाँ पे चूंकि मैंने काम किया है, जिस जमाने में मैं वहां काम कर रहा था ये पाइपलाइन बिछ रही थी और हम उसके पास से गुजर के जाते थे और ये बहुत बड़ा मंसूबा था। उस वक्त शायद लगता था कि इतना बड़ा मंसूबा 771 किलोमीटर कब होगा कैसे होगा, लेकिन आप ये देखें कि 2017 में ये ऑपरेशनल हुआ।
और ये एक बहुत बड़ी, और ये इंटरनेशनल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ चीन या म्यांमार की इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल कंपनियां शामिल हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी बड़ी क्रूड ऑयल की कंपनियां शामिल हैं, पैसिफिक की कंपनियां शामिल हैं, ये बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। और अगर वहाँ सियासी अमन नहीं होगा, और पहले भी जाहिर है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, तो इससे बड़े बड़े मंसूबे और तरक्याती काम मुतासर होंगे। इसी चीज को सामने रखते हुए शायद चीन ने दोनों पे जोर दिया है कि वो अपने मामलात को मुजाकरात से हल करें। इसमें एक और सॉरी, इससे पहले सर आपकी बात करती है कि हम आगे जाएं, मैं चीन ने जो बयान दिया है उसमें मुझे जो एक पॉइंट चाह रहा हूँ, जिसपे थोड़ा सा आपसे रहनुमाई भी चाह रहा हूँ, कि उन्होंने कहा है कि बगैर किसी बैरूनी अमल दखल के जो है ना, वो आपस में इसको देखें। तो आप समझते हैं कि कोई खदशा ऐसा है कि, चूंकि हमने देखा कुछ मगरबी कुव्वतें ऐसा करती हैं कि वो मैनिपुलेट करती हैं सूरत हाल को, तो ऐसा खतरा कोई आप देखते हैं यहाँ पे? ये बड़ा अहम सवाल आपने वाकई में मेरी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई है, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जहां उन्होंने कहा कि वो दोनों फ्रीकैन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो NLD हो या फौज हो, उनको कहा कि अपने मामलात मुजाकरात से तय करें, और ताकि कोई तीसरी कुव्वत को मौका ना मिले, उसका यकीनन इशारा यही है। क्योंकि देखें, अगर आप इसकी रीजनल सूरत हाल को देखें, जिसमें मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया है, गैस और पाइपलाइन का, इस पर भी बहुत बड़ी नजर है दुनिया के जो ममालिक हैं, जो जाहिर है कि जमहूरियत यकीनन एक आइडियल चीज होती है और उसके लिए एक्शन जरूर लिया जाता है, लेकिन उस एक्शन के पीछे ऑयल का एक्शन भी छुपा हो सकता है। इसको आप रद्द नहीं कर सकते कि जाहिर है वहां पे डेमोक्रेसी डी रूल रियल हुई है, उसकी वजह से जाहिर है इंटरवेंशन के इम्कान तो बढ़ जाएंगे ना, अगर दोनों फ्रीक आपस में मिलकर तय नहीं करते। अब वो कैसे होगा? अब आप ये देखें कि म्यांमार, ये जो पिछली गवर्नमेंट अगर आप देखें अमरीका की, सदर ट्रंप की, चार सालों में उन्होंने म्यांमार पे कोई खास कोई तवज्जा नहीं दी कि वो भी कोई अहमियत हो सकती है। इससे पहले ओबामा अपनी रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उसमें म्यांमार पे तवज्जा देते हैं, अब वही टीम आ जाती है। अब इसीलिए चीन को ये, अगर चीन ने ये खदशे का इजहार किया, और म्यांमार की जो क्यादत है दोनों तरफ की, सिविल और मिलिट्री की, उनको जो उन्होंने ये वार्न किया है कि भाई आप अपने मामलात को खुद देखें इससे पहले कि इस बुनियाद पे कोई तीसरी इंटरवेंशन हो जाए, और वो तीसरी इंटरवेंशन यकीनन जाहिर है इतनी बड़ी पाइपलाइन का मंसूबा यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी जो एक रूट बनने वाला है जो BRI का एक और लेग है, तो जाहिर है इस सिचुएशन में चीन के ऊपर भी दबाव डालने के लिए कुव्वतें चाहेंगी कि म्यांमार में उनकी इंटरवेंशन हो जाए। और यकीनन वो इंटरवेंशन पहले तो शुरू इसी से होगी कि जमहूरियत को बचाने के लिए आए हैं, और जाहिर है कि ये पॉइंट बनता भी है, वैलिड पॉइंट भी बनता है कि वहां पे डेमोक्रेसी जो इन ट्रांजिशन थी ऑलरेडी, वो डील रेल हो गई और वहां पे खदशात पैदा हो गए, तो वो इस बुनियाद पे जैसे कि उन्होंने एक्शन की बात भी की है, अब वो ओबामा वाली टीम आके, ये जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, वो आके अगर इस तरफ तवज्जा देती है और ये बात करेंगे, और वो जाहिर है कि सोचेंगे कि ये हमारे पास एक मौका है मुदाखला का, तो वहां ये दो तीन बड़े मंसूबे उनको इम्पैक्ट होने का भी खतरा है, जिससे म्यांमार को भी नुकसान होगा, और जाहिर है कि इससे जुड़ी हुई जो चीजें, चाहे वो पाइपलाइन के साथ जुड़ी हुई चीजें हों या BRI की जो लेग बननी है बर्मा बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ, तो वहां पे भी इसके असरात यकीनन देखे जाएंगे। और इसी खदशे की वजह से चीन की तरफ से ये इंडिया दिया गया है कि वो डोमेस्टिकली इसको रिजॉल्व करें, इसमें कोई तीसरी कुव्वत इसमें हायल आ सकती है। वो अगर आती है तो आप ये देखें कि चीन और बर्मा के जो बर्मा म्यांमार है उनके दरमियान अगर देखें कि तजारती ताल्लुकात, चीन बर्मा का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, और 33% यानी 33% तजारत जो म्यांमार की है वो चीन के साथ है। अब जिस स्टेट में मैं शान और बाकी जो इलाके हैं, स्टेट हैं रखाइन है और बाकी और भी जो ये इस साइड की स्टेट्स हैं चाइना के साथ बॉर्डरिंग स्टेट हैं, वहां बाकायदा तौर पे जो बॉर्डरिंग स्टेट चाइना के साथ है या चाइना की कंपनी वहां काम कर रही है, बॉर्डर ना भी हो लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी वहां पे जो काम कर रही है उनकी उनकी अगर सिचुएशन को आप देखें तो वहां पे खुद मार्केट में मैंने ये चीज देखी है कि तमाम प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली वो चाइना से हैं, यहां तक कि वहां पे चाइना के जो मोबाइल सिग्नल है वो भी वहां आ रहे होते हैं। अच्छा, इन इलाकों में बॉर्डर के इतना करीब है, फिर तजारत वहां के जो बॉर्डर के साथ के लोग हैं उनकी जो तर्ज जिंदगी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, यानी जो मईशत के साथ माशरत भी है वो भी बड़ी हद तक, जाहिर है जैसे बॉर्डरिंग रीजन में हमेशा होता है
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देखें जो लोग हैं उनको आपस में ट्राइब्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो इस तरह बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ के बॉर्डरिंग रीजन पे भी पड़ेगा, वहाँ के बड़े मंसूबों पे भी पड़ेगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त वहाँ की वहाँ इस किस्म के इकदाम से अगर वहाँ पे आपने एक मंसूबे के तहत या एक माहदे के तहत अगर आपने वहाँ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन शुरू की थी उसको अगर आप इस तरीके से अगर उसको रिवर्स करेंगे तो रद्द अमल के तौर पे जो फोर्सेस आएंगी उन फोर्सेस के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। लिहाजा किसी भी खत्ते का जो सियासी इस्तेकाम है, जो समाजी यानी इस्तेकाम है, वो बड़ा जरूरी है ताकि तरक्याती काम आगे बढ़े। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आप देखें, तरक्याती काम रुक जाते हैं, जंग की कैफियत पैदा हो जाए वहां रुक जाते हैं। अब इस तरह की अगर सूरत हाल पैदा होगी, प्रोटेस्ट हो रहे होंगे, इंटरनेशनल प्रेशर होगा, तो वहां पे फिर सूरत हाल जो है किसी के हाथ में शायद ना रहे तो बैन अल-अक़वामी मुदाखलत जो है उसका चांस तो बनता है और मौका भी सामने आ सकता है। अच्छा, ये इस सारी सूरत हाल को जो हम देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा मुल्क, इतना बड़ा आबादी वाला मुल्क तो है नहीं है, कोई 5-5.5 करोड़ आबादी है इसकी टोटल, लेकिन आसियान का भी ये रुकन है। फिर जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि BRI के की एक लग भी यहाँ से गुजरनी है, यहाँ बननी है, फिर एक पाइपलाइन जो बड़ी अहम है वो भी है। तो ये जब हम बात करते हैं कि एशिया एक की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक है, तो इस सारी सूरत हाल का खित्ते पे क्या असर पड़ सकता है आपकी नज़र में? देखिए म्यांमार जो है ना, इसको एक मुल्क ज़ाहिर है कि ज़्यादा आबादी वाकई ना भी हो लेकिन यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं जी, ठीक है, ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत हैं, तो ये एक और एक तजारती रूट पे है ये साउथ ईस्ट एशिया के और इसके बाद आगे पैसिफिक तक जो है जाने के लिए, तो ये मिनी रूट के अतबार से भी बहुत अहम मुल्क है और रिसोर्सेज के मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से भी अहम मुल्क है। और यही वजह है कि आसियान में आप ये देखें कि आसियान में मल्टी सिस्टम कंट्रीज हैं, कोई वहां पे वियतनाम है तो वहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम है, यहाँ पे मिलिट्री लेड डेमोक्रेसी थी या मिलिट्री गवर्नमेंट रही म्यांमार में, और अब वहां पे मिलिट्री लेड पार्टीज भी हैं और मिलिट्री इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट भी थी या डेमोक्रेटिक सिस्टम में मिलिट्री के रोल के साथ पार्लियामेंट थी। इसी तरह थाईलैंड है जहाँ पे बादशाह भी है, वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम भी था, वहां पे भी मार्शल लॉ आ गया, फिर इस तरह और फिलीपींस है, बाकी ममालिक हैं, यानी वहां पे सिस्टम कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी का कोई आइडियल सिस्टम नहीं है साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन इसके बावजूद वहां की इकोनॉमीज मिलकर काम करती हैं, वहां की बड़ी इकोनॉमीज में मुस्लिम इकोनॉमीज भी हैं, उनका असर आप ये देखें यहाँ पे भी मुसलमान म्यांमार में भी मुसलमान दो तरह के, एक तो रोहिंग्याज का हम सुनते हैं वो बांग्लादेश या बंगाली ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन उसके अलावा इंडियन ओरिजिन के लोग भी अगर आप ये देखें यंगून में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं वहां था तो अक्सर लोग ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलते हैं, जिसको हिंदी भी और उर्दू भी, और आप बहादुर शाह जफर के मजार पे जाएं तो वहां पे आपको खालस लखनऊ की और बाकी उर्दू बोलने वाले मिलेंगे जो उस मजार की देखभाल करने वाले लोग हैं, ये जो फैमिली उसके साथ अटैच हैं। फिर वहां के आप जो खाने देखें शाम के टाइम अगर आप चले जाएं डाउनटाउन यंगून में, तो वहां पे हमें बिल्कुल उसी तरह के नजर आते हैं, बाहर वो बारबेक्यू की लगी हुई है, अंदर छोटे छोटे से दुकान में एक रेस्टोरेंट है और बारबेक्यू में बाहर कुर्सी, जैसे हमारे यहाँ डाउनटाउन पिंडी में चले जाएं या कहीं, तो वो एक जो कल्चर है वो मौजूद है। इस तरह आप साउथ ईस्ट एशिया के बाकी मुल्कों में चले जाएं, कहने का मकसद ये कि वहां पे आसियान में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने रखी है कि अब वहां पे कोई भी खाने पीने की चीज उसके ऊपर हलाल का सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो आसियान के किसी भी मुल्क में जानी हो। आप अगर म्यांमार में आपको वहां पे भी जो चीजें मिलेगी, हमें जो चीजें मिलती थी वहां पे हम देखते थे उसके ऊपर हलाल की सर्टिफिकेशन होती थी। तो ये सारी चीजें एक इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई चीजें होती, यानी मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस रीजन और मुल्क होते हैं, तो वहां पे अगर इस बुनियाद पे अगर आप देखेंगे तो बड़ी हद तक नजर आएगा कि बहुत सारे यानी मुख्तलिफ तरह के लोग मिलके डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। अब वहां पे अगर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो मुख्तलिफ निजाम है वो वहां पे राइजुल अमल है, वहां पे कोई आइडियल वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी जो है वहां पे के मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि किसी मुल्क में किसी फॉर्म में, किसी मुल्क में किसी फॉर्म में, और इसी तरह म्यांमार में भी जाहिर है कि वहां पे पहले प्योर मिलिट्री लेड
हुकूमत रही सिंस 1962 से 2011 तक, फिर ट्रांजिशन शुरू हो जाती है, फिर 2012 में पहले 2015 में मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं, फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है जो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में मिलिट्री और गवर्नेंस में मिलिट्री का रोल होता है, अब आके वहाँ पे वो दोबारा फिर एक इमरजेंसी की सूरत आ जाती है। तो ये सिस्टम का एक अपना एक वो है, लेकिन बहरहाल दोनों कुवतें अपनी जगह हकीकत हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेज भी वहाँ मौजूद हैं, मिलिट्री का भी अपना एक अभी तक पावर स्ट्रक्चर मौजूद है। अभी भी जो वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है, वहाँ पे जो क्या मिलिट्री क्यादत है उसकी तरफ से यही कहा गया है कि हमने 2015 के बाद देखा कि वहाँ पे जो ताकत का तवाजन है बड़ी तेजी से फौज के हाथ से निकल के टोटल सिविलियन में जा रहा है, यानी वो जो पावर स्ट्रक्चर है वो गैर मुतवाजन हो गया है, लिहाजा हमने उसको मुतवाजन रखने के लिए एक्शन किया। इस तरह की भी सोच पाई जा रही है। तो मतलब इस पे जो सियासी तजिया निगार है वो यही दोनों एंगल से देख रहे हैं इसको, कि क्या इसको हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी के एंगल से देखें तो यकीनन वहां पे एक डेमोक्रेसी को डीरेल किया गया है। दूसरे माहिरीन का ख्याल ये कि अगर साउथ ईस्ट एशिया के बाकी ममालिक के निज़ाम या मुख्तलिफ मुल्कों के निज़ामों को देखें तो यहाँ का म्यांमार का जो निज़ाम है वहाँ चूंकि मिलिट्री का एक अपना एक स्ट्रांग होल्ड रहा है और अभी तक वो किसी हद तक कंट्रोल में है, तो उन्होंने शायद इसको अपनी ताकत के तवाजन को अपने हक में बैलेंस रखने के लिए ऐसा किया है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, दोनों एंगल से देखा जा रहा है इस चीज को। तो अल्टीमेटली प्रेशर जो डेवलप होगा वो अंदरूनी भी होगा, बैरूनी भी होगा। तो ऐसी सूरत में चीन की तरफ से दोनों पार्टियों को ये कहना बिल्कुल बरवक्त है कि वो मामलात को बिल्कुल अपनी आईन और कानून की जो गुंजाइश है उसके मुताबिक देखें और मामलात को मुजाकरात के जरिए तय करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और आपके तज्जिए का डॉक्टर साहब। लिसनर्स हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे सीनियर तज्जियाकार और मुहक्किक डॉक्टर शफकत मुनीर साहब, और अब अपने मेज़बान नासिर महमूद ख़ान को इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी शर्त और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे मेरी मुलाकात होगी कल रात 8 बजे। और जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगे उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा पामान। प्रोग्राम में पेश किए गए तज्जिए और आरा मेहमान तज्जियाकारों और माहिरीन के ज़ाती ख्याल हैं, चैनल का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं।